उसको से डलवा देगा। डलवा दियो भाई, बाय बाय। आ गई ट्रेन भाई, ट्रेन आ गई। कितनी स्पीड से जा रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एपिसोड। तो फिलहाल गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और आज हमारे धान बरसेंगे, फिर जाएंगे दुबई मंडी। तो फिलहाल जल्दी से जाके धान भर लेते हैं और काफ़ी मॉर्निंग भी हो चुकी है, सूर्य देवता भी निकल आए हैं, अच्छा खासा व्यू हो रखा है। रात भी पड़ी थी बारिश, बिकॉज रात 2-3 बजे बारिश आई थी। तो चलिए पहले फटाफट काम कर लेते हैं। अभी देखो सारे बोरी में भर के पूरे घर में धान रख दिए हैं, मशीन आ चुकी है, बरसेंगे अभी। देखो अभी धान बरसने से पहले ही वर्षा स्टार्ट हो गई, मतलब वर्षा को भी हमारे काम के बीच में ही आना है। देखो वहाँ दोनों मशीन आ चुकी हैं, खेली भी खड़ी है, धान बरसाने की मशीन भी आ गई, लेकिन एंड टाइम पर ये वर्षा आ गई, इसने काम खराब कर दिया। बाय हैं युवा भाई, हेल इस ट्रैक्टर से धान बरसेंगे। ये नई मशीन है, ये काफ़ी अच्छी है। मैं फिलहाल से भी आ रहा है, अभी घर जा रहे हैं क्योंकि इसने चाय नहीं पी अभी तक, तो घर जा रहे हैं। थोड़ी देर में वर्षा बंद होगी तो बरसवा देंगे। नहा ले पहले, तू धान भरी ना गई। तो फाइनली गाइस हमारे धान तो बच चुके हैं, राजू भाई मतलब कूड़ा बस्ता कूड़ा कर रहे हैं सही, हमारे पिताजी खड़े हैं। तो अभी बढ़ते बढ़ते बंद हो चुकी है, धान भी बढ़ चुके हैं, नहा भी लिया, खाना भी खा लिया। अब तो अभी जाने वाले हैं मंडी, पापा चलाएंगे ट्रैक्टर, मैं जाऊंगा ठेली में बैठ के। तो फिलहाल चलते हैं, शिवम तो नहीं जा रहा, शिवम घर पे रहेगा, बिकॉज वहाँ थोड़ा सा कूड़ा पड़ा है ना, तो उसको शिवम डलवा देगा। डलवा दियो भाई, बाय बाय। मंडी में आते ही ट्रैक्टर की इतनी सारी भीड़ है कि हमारा ट्रैक्टर निकल भी नहीं पा रहा, बिकॉज अभी अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि तो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा है और रास्ता कम है। फिलहाल देखो हमारा ट्रैक्टर यहाँ फंसा हुआ है। तो अभी हम मंडी से आ चुके हैं, धान फान तो तुल गए, लेकिन यहाँ आते ही धर्मपुर पे यहाँ फाटक लगा हुआ है क्योंकि यहाँ ट्रेन आने वाली है। तो बिकॉज यहाँ 10 से 15 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब ट्रेन निकलेगी जब हम निकल पाएंगे, तो फिलहाल थोड़ी देर वेट करते हैं। देखो गाइस ये लोग थोड़ा सा भी वेट नहीं कर सकते, तो वो ट्रेन आने वाली है और ये अंदर होके निकलने हैं। अगर गलती से भी ट्रेन आ गई तो इनका क्या होगा, आप सोच ही सकते हो। इतनी सी भी अकल नहीं है कि ट्रेन आने वाली है, हम क्यों निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी ट्रेन आने ही वाली है, थोड़ी बहुत देर लगेगी, 203 सेकंड। देखो आ गई ट्रेन भाई, ट्रेन आ गई। कितनी स्पीड से जा रही है, पहिए भी नहीं दिख रहे इसके। देखो ये लोग बाइक भी स्टार्ट करने लग गए, इनको थोड़ा सा भी वेट नहीं है कि ट्रेन निकल जाएगी तो आराम से निकल जाएंगे। देखो ये भी करने लग गया विक्रांत वाला, नहीं ट्रेन निकली नहीं, तू निकल जा पहले, चल दिए भाई, फाटक खुला नहीं है, उससे पहले ही बाइक स्टार्ट करके निकल दिए। हमारा ट्रैक्टर तो यूं ही खड़ा है, हमने तो स्टार्ट नहीं किया अभी, हम तो जब ही स्टार्ट करेंगे फाटक खुल, देखो फाटक खुलने लग गए, कितनी स्पीड से बाइक निकाल लें। तो अभी अभी मंडी से आ चुके हैं और मैं लेके आया था 4 अंडे, तो सुबह अंडे बना रहा है, तो फिलहाल आपको दिखा देता हूँ। दो ये बनी आमलेट, शिवम बना रहा है आमलेट। तो शिवम अभी आमलेट बना के खाना लेके आ रहा है, जब तक मैं खा लेता हूँ जामुन, जब तक खाते हैं जामुन क्योंकि मैंने कल खाई नहीं थी। देखो शिवम खाना लेके आ गया, क्या है भाई, आलू रोटी अंडे, आज तो मज़ा ही आएगा। तो गाइस अभी 10:32 मिनट हो चुकी हैं और मेरे को अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो इसलिए आज का ब्लॉग बस यहीं खत्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन अभी करो ताकि आपको आने वाले ब्लॉग सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।